आखिरी सत्र में हम लोगों ने जो 6 दिनों में चर्चा की है उससे कुछ निष्कर्ष बने हैं आपके, जिस पर बात हुई थी उन निष्कर्षों को हम लोगों ने एक तरह से यहाँ बिंदुवार लिख भी लिया है। अब आपने जो भी इस 6 दिन की चर्चा में महसूस किया है, जो आपको अच्छा लगा है, पहले दिन क्या अच्छा लगा, दूसरे दिन क्या अच्छा लगा, तीसरे दिन क्या अच्छा लगा, चौथे दिन क्या अच्छा लगा, आप ऐसे भी बता सकते हैं या एक साथ भी बता सकते हैं कि हमको ये ठीक लगा, अब हम आगे ये करेंगे, है ना। और साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि ये पूरी बात जो आपने सुनी वो आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए उपयोगी है या नहीं। दूसरा, आपके साथ जितने बच्चे और पढ़ते हैं स्कूलों में पूरे मध्य प्रदेश में, उनके लिए भी ये उपयोगी है या नहीं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे हम लोगों ने परसों किया था, छोटे छोटे ग्रुप में एक लोगों को अवसर दिया था, वो अपनी बात कह रहे थे, ऐसे ही आज भी करेंगे। तो एक दूसरा माइक वो आपके पास रहेगा। अच्छा, तो ठीक, मैं इस माइक से शुरू कर दूँ। तो बच्चों के पास कौन सा मोड होगा? अच्छा, तो ये दोनों को पकड़ना पड़ेगा। तो हम लोग इधर से शुरू करेंगे, आपसे शुरू करेंगे। तो ये दोनों को पकड़ लीजिए। आपको अपना नाम बताना होगा, है ना, और बाकी ये 6 दिन की पूरी कार्यशाला आपके हिसाब से कैसी रही, खड़े होकर के, और जब बोले तो उतनी देर थोड़े मिल के बात। तो 6 दिन का क्या आपका निष्कर्ष है इस कार्यशाला के बारे, क्या स्पष्ट हुआ, क्या ठीक लगा, क्या ठीक नहीं लगा, इन सारे बिंदुओं पर आप आराम से अपनी बात रखें। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितना देर भी आप बात रखें। मेरा नाम काजल प्रजापति है। ये जो 6 दिन की कार्यशाला है, जिसमें मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला और ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। फर्स्ट डे में हमें सिखाया गया था लक्ष्य और रास्ते की स्पष्टता। तो उससे पहले हम कुछ प्रयास करते हैं, फिर कुछ बनते हैं, फिर उससे कुछ पाके हम फिर सुखी और समृद्ध होना चाहते हैं। और फिर सिखाया गया था संबंध, समझ और सुविधा। और फिर व्यवस्था में जीना ही सुख है। समृद्धि के लिए आवश्यकता की पहचान आवश्यक है। मानव स्वयं और शरीर, मानव की 2 प्रकार की आवश्यकता होती है, एक स्वयं मीन सेल्फ की और एक शरीर की। आप कोई स्वयं की कोई आवश्यकता बता सकती हैं कि ये आवश्यकता स्वयं की है? जैसे स्वयं की आवश्यकता होती है सुख, सम्मान, और शरीर की कोई आवश्यकता? और शरीर की कपड़ा और भोजन। जो स्वयं की आवश्यकता होती है वो मात्रा में नहीं होती है, वो हमें हर वक्त चाहिए होती है। और शरीर की मात्रा में होती है, वो हमें टाइम टाइम पे चाहिए होती है। जैसे जब भूख लगती है हम तभी खाना खाते हैं। और कल्पनाशीलता, स्वास्थ्य और संयम, परिवार व्यवस्था और भाव। कल्पनाशीलता में क्या समझ में आया? कल्पनाशीलता में क्या किया आपने, क्या आपको लगा, क्या समझ में आया कल्पनाशीलता में? मतलब कुछ किया आपने कल्पनाशीलता में प्रयोग? यस सर। क्या प्रयोग किया, क्या किया अभ्यास, क्या किया? कल्पनाशीलता में कल्पना की। क्या कल्पना? उससे हमें सुख होता है कि दुख होता है, वो हमें सहज स्वीकार है कि नहीं है, यही ये देखा। Yes, sir. क्या कभी आप ऐसा देख पाए कि किसी कल्पनाशीलता से आप सुखी हो रहे हैं, किसी से दुखी हो रहे हैं? Yes, sir. कोई उदाहरण बता पाएंगे? जब आपने सेकंड बार कल्पनाशीलता का अभ्यास करवाया था, तो उसमें मैंने देखा कि मैं और मेरे फ्रेंड झूले पे झूल रहे हैं, वो मुझे सहज स्वीकार है, उसमें बहुत खुश भी हुई थी। और कोई ऐसी कल्पनाशीलता जिससे आप दुखी हुई हो? यस सर। फिर दूसरी बार मैंने देखा कि हम दोनों झूले पे से गिर गए, तो उससे मैं दुखी हुई थी, अब मुझे सहज स्वीकार भी नहीं है। तो आप इस पूरी कार्यशाला के बारे में अगर एक लाइन में कहना हो, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, कैसा दिन लगता है आपको, अगर एक दो लाइन में कहना हो उस बात को, तो कैसे कहेंगे? मतलब आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए इसको कुछ उपयोगी पाती हैं, फिर उपयोगी नहीं है? उपयोगी है ये बहुत ही, ये सबको जानना चाहिए, ये हमारे जीवन बहुत उपयोगी, आगे चल के हमें बहुत काम देगा ये। अभी कोई आपको लाभ हुआ हो 6 दिन में आपने इस कार्यशाला को किया,
उससे आपको लगा हो कि पहले ये हमको हम इस तरह के करते तो कुछ गलत हो जाता, या अभी ऐसा कर रहे हैं तो कुछ सही हो गया, कुछ ऐसा कहीं प्रयोग करके आपने देखा इस कार्यशाला में, जो भी समझा सीखा आपने उसका घर में दोस्तों के साथ कहीं पर भी उसका प्रयोग आपको समझ में आया? यस सर, इससे हमारा गुस्सा कम हुआ है, थोड़ा लड़ाई झगड़े भी कम हुए, विश्वास बढ़ा है फैमिली में और फ्रेंड्स के साथ। सम्मान अपमान भी देख पाती हैं क्या? यस सर। और आपको अपने तरफ से अगर कुछ विशेष बात कहनी हो तो कह सकते हैं, नहीं तो आगे कह सकते हैं। यस सर। यस सर। मेरा नाम रेंसी पटेल है। सर ने जो समझाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ने जो समझाया उसकी पहली बात ये थी, लक्ष्य और रास्ते की स्पष्टता। हम समझते थे कि लक्ष्य बनना होता है, पर लक्ष्य बनना नहीं, होना होता है। प्रयास बनना, करना, पाना, होना, सुख समृद्ध होना। और दूसरी बात, समझ, संबंध और सुविधा। अगर सही समझ होगी तो संबंध होंगे तो सुविधा पे भी ध्यान दे पाएंगे। व्यवस्था में जीना ही सुख है। समृद्धि के लिए आवश्यकता की पहचान आवश्यक है। मानव में समृद्धि के लिए जो आप कह रहे हैं कि आवश्यकता की पहचान आवश्यक है, इसको कुछ उदाहरण से बता सकते हैं क्या? कोई उदाहरण की क्यों आवश्यक है सुविधा की आवश्यकता को पहचानना? अगर न पहचाने तो क्या समस्या है? समृद्धि का उदाहरण ये है, जैसे अगर हमारे पास 5 पेन है तो हमें जरूरत 5 की है, तो हम उसमें समृद्ध हो चुके हैं। और ऐसा कोई उदाहरण जिसमें आप समृद्ध नहीं हुए हैं? कपड़े, अगर हमारे पास 15 जोड़ी कपड़े हैं तो हमें 10 जोड़ी और चाहिए। आपको 10 जोड़ी और चाहिए तो उसमें आप समृद्ध नहीं है? नो सर। आपने काउंट किए थे कपड़े? यस सर। कितने निकले? 17 निकले। और छठवीं बात, कल्पनाशीलता, स्वस्थ और संयम, परिवार व्यवस्था और भाव, विश्वास, चाहना और योग्यता, सम्मान, दूसरा मेरे जैसा है। ये तो बेटा जो आप देख के पढ़ रहे हो ना, ये तो पूरे वर्कशॉप के निष्कर्ष बिंदु लिखे हैं, इसमें से जो आप ठीक लगा है वो बताना है, चार्ट थोड़े पढ़ना है। सर मुझे सम्मान और अपमान के बारे में बताया, वो अच्छा लगा था। मानव के बारे में, कल्पनाशीलता। जैसे सम्मान और अपमान के बारे में क्या अच्छा लगा था अगर बताना हो? सम्मान और अपमान के बारे में, हम अगर हमारा कोई सम्मान करता है तो हम उसका भी सम्मान करते हैं। और दूसरा हमारा दूसरा मेरे जैसा है तो हम दूसरे को मेरे जैसा ही समझते हैं अगर हम उसका सम्मान करते हैं, और अगर वो हमारा अपमान करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है इससे। कोई अपमान का उदाहरण बता सकते हैं आप? ऐसा लगाओ कि आपका अपमान हुआ है। अच्छा, अपमान कितने तरह के होते हैं? अपमान, कोई उदाहरण आपको याद हो? इस पूरी बात को आप कैसा पाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए? ये सब हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उपयोगी है। ये सभी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, सभी के लिए। इस पर आपके घर में कोई आपने चर्चा की इस पूरी बात पे? यस सर। किससे किया? मम्मी से की थी। क्या बातचीत हुआ और उन्होंने क्या कहा, अगर थोड़ा उसके बारे में बताया तो? मैंने अपनी मम्मी से बात की थी, फर्स्ट जब आपने समझाया था लक्ष्य और रास्ते की स्पष्टता, तो सर मम्मी ने बताया था कि बहुत अच्छे से समझा रहे हैं सर, सब कुछ समझो, और यही बताया था सर, लक्ष्य। यस सर। मेरा नाम अंकिता दोहरे है। मेरा नाम अंकिता दोहरे है। मुझे 6 दिन में आपने जो भी समझाया अच्छा लगा। चाहना, प्रयास करना, बनना, करना, पाना और होना, ये 4 रास्ते हैं, और होना, करना। मुझे
ठीक है, ऐसा कुछ जो आपको अच्छा नहीं लगा हो? दोबारा ऐसी वर्कशॉप हो तो करना चाहोगी आप या जबरदस्ती किया जाएगा तभी करोगी? नहीं, करना चाहूंगी। करना चाहूंगी। 8 बजे से 5 बजे तक बैठती हो, बहुत ज्यादा नहीं लगता? नहीं। अच्छा, 2 दिन और चलाया जाए वर्कशॉप तो? यस, कर लूंगी। ठीक जी, करिश्मा जी, करिश्मा। मेरा नाम करिश्मा नागपुरे है। फर्स्ट डे मुझे चाहना अच्छा लगा, प्रयास बनाना, करना, पाना, होना। सेकंड टाइम मुझे सही समझ, संबंध, सुविधा, ये भी बहुत अच्छा लगा। और आपने सुख और दुख के बारे में बताया था, हारमोनी के साथ में, उसके बारे में बहुत अच्छा लगा। और तो भेद सम्मान है, अपमान है? अपमान है। और भी कुछ तरह के अपमान होते हैं? जैसे आपने अधिमूल्यन, कम मूल्यन, ये सब, अधिक आकलन, कम आकलन, ये सब ध्यान में है? क्या था इसका कुछ उदाहरण बताए? तो कोई सुझाव देना चाहेंगे इस पूरे वर्कशॉप के लिए, क्या किया जाए कार्यशाला के लिए? ये तो हर जगह करना चाहिए, जो हमने समझा वो दूसरों को भी समझाना चाहिए। और आपने हमारे साथ चर्चा करी, आपने सिखाया जांच करना, ये भी बहुत अच्छा लगा था। और ये हर स्कूल में होना चाहिए। मुस्कान आई, मुस्कान, मुस्कान को पास कर दो भाई, मुस्कान। मेरा नाम मुस्कान बर्मन है। आपने अभी तक जो समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने लक्ष्य के बारे में बताया था, चाहना, प्रयास, बनना, करना, पाना, होना, सुख समृद्धि हमारा लक्ष्य है। आपने जीने के फैलाव भी बताए थे, मानव, समाज, परिवार, प्रकृति, अस्तित्व, वह भी बहुत अच्छा लगा। परिवार में व्यवस्था भी बताई थी, विश्वास, सम्मान, स्नेह, वात्सल्य, ममता, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम, वह भी बहुत अच्छा लगा। आप अपना कल्पनाशीलता देख पाती हैं? जी। अच्छा, क्या उसमें कुछ उदाहरण बताएंगे कल्पनाशीलता के बारे में? मैंने एक बार देखा था, मैंने अपना घर देखा था और हम चारों, मेरे पापा, मम्मी, बहन और मैं, हम चारों नानी के यहाँ जा रहे थे। इसमें आप सुखी महसूस कर रही थी, दुखी महसूस कर रही थी? क्यों सुखी महसूस कर रही थी? हम चारों साथ थे और परिवार और नानी के यहाँ जा रहे थे, इसलिए। आप कोई सुझाव देना चाहेंगे इस पूरे वर्कशॉप कार्यशाला के बारे में? आप हमेशा आते रहिए हर साल। मेरा नाम तोशु है। आपने पहले दिन आपने लक्ष्य और रास्ते की श्रेष्ठता बताई थी, चाहना मतलब कुछ बनने के लिए प्रयास करने पड़ता, कुछ बनने के लिए प्रयास करने पड़ता है, प्रयास करेंगे फिर बनेंगे, फिर करना, फिर पाना, फिर होना। फिर आपने इसके बाद सही समझ, संबंध, सुविधा बताया था, फिर भेद अपमान भी बताया था, सुख दुख भी बताया था, कल्पनाशीलता भी बताए थे आपने, और जीने के फैलाव भी बताए थे, मानव ये भी बताया था आपने, और आज प्रकृति की इकाइयों का समूह भी बताया था। प्रकृति का कोई बात जो आपको बहुत अच्छी लगी हो उसको बताएं। मेरे को ये अच्छी लगी थी, आपने बताया था पदार्थ, आश्रम, इसका मतलब मिट्टी, पानी और प्रणाम, अवस्था, पेड़ पौधे, जीवन अवस्था, पशु पक्षी, ज्ञान, समाना। तो मानव जो प्रकृति में कर रहा है
वो ठीक कर रहा है या ठीक करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। क्या ठीक करना पड़ेगा सर? आपको ये सुझाव देना चाहेंगे इस पूरे वर्कशॉप के बारे में? सर मेरे को ये वर्कशॉप बहुत अच्छा लगा है, आप तो हर बार आती है, ये हफ्ते में एक दिन। करीना? मेरा नाम करीना है। आपने जो पहले दिन समझाया था माने मेरी चाची वो भी अपनी सह स्वीकृति के आधार पर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो अपमान सम्मान भेदभाव वाला समझाया था ये भी बहुत अच्छा लगा। आपने आज ये प्रकृति के व्यवस्था समझाया ये भी बहुत अच्छा लगा। और परिवार में व्यवस्था मानव में व्यवस्था ये भी बहुत अच्छा लगा। और कल्पनाशीलता आपने करवाई थी वो भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने आपका दिन भर में या पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने अपमान किया होगा, उसका कोई उदाहरण बताएंगे? मेरा अपमान आपने किसी का अपमान किया हो वो बता? मेरा मैंने अपनी छोटी बहन का अपमान किया था। कैसे किया था आप बताएंगे क्या किया था? मैं घर पे थी, मैंने बोला कि जरा मेरा बैग पैक कर दे, तो उसने कहा मैं नहीं कहूंगा, तो मैं उसको मारा। ये अपमान है क्या? हाँ मैंने उसको मारा था, मैंने उसका अपमान किया। तो आपकी वजह मार पिटाई होती है तो अपमान ही होता है। अच्छा, सम्मान कहीं किसी का कुछ हुआ आपके द्वारा? हाँ, आज जब मैं आ रही थी तो मैं जल्दी उठ गई थी, तो मैं ऊपर वाले रूम में आई तो मेरे बड़े पापा बोल रहे थे मेरे भाइयों लोगों को कि देखो ये कितनी अच्छी है, इसको पढ़ाई की चिंता है, ये कितनी जल्दी उठ गई है, तुम करते रहते हो। ये सब मान हुआ। और चाहना और करना का कुछ अंतर आपको स्पष्ट हुआ विश्वास में? क्या स्पष्ट हुआ अगर बताए? चाहना और करना। जैसे हम कुछ चाहते हैं फिर कर नहीं पाते हैं, इसलिए हमारी योग्यता की हमें कमी हो जाती है, इसलिए हम कर नहीं पाते हो। जैसे अभी मैं चाहती हूँ कि रिपोर्टर बनूँ और अभी मैं प्रयास कर रही हूँ, अभी वो कर पाऊँगी तो अच्छा है, नहीं कर पाऊँगी तो फिर मेरी योग्यता की कमी है। तो माँ बाप अगर आपके इसके कारण आपके चाहने पर शंका करेंगे कि आप बनना ही नहीं चाहती तो आपको बहुत बुरा लगेगा। हाँ। तो इसमें माँ बाप के नजर में विश्वास बना कि विश्वास टूट गया? विश्वास टूट गया। क्यों? क्योंकि योग्यता की आपकी कमी है और वो शंका कहाँ कर रहे हैं आपके चाहने। आप कोई सुझाव देना चाहेंगे इस पूरे कार्यशाला के बारे में? हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये कार्यशाला हर एक स्कूल में होनी चाहिए और आप यहाँ पे आते रहिए। आप थोड़ा और बड़े होकर ऐसी कार्यशाला खुद ले सकती है, बच्चों का सोचेंगे पढ़ाएंगे? मैंने उस पर लिखा भी है अपनी फाइल में कि मैं बड़ा होकर करना चाहती हूँ। कितने लोग बड़े होकर इस कार्यशाला में खुद इस कार्यशाला को टीचर की तरह पढ़ाना चाहते हैं? बहुत सारे वॉलंटियर मिल गया। फिर से एक बार मात्र पहले दे रहा, जो लोग इस वर्कशॉप में प्रबोध पढ़ाएंगे बड़े होकर चलाएंगे ऐसा कार्यशाला, ठीक है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्कूलों के लिए आपको वॉलंटियर मिल गया, ठीक है करीना जी। प्रथा से जी करीना। पांचों दिनों से ज्यादा अच्छा लगा,
क्योंकि उसमें आपने जो सर ने पढ़ाया था उसमें मैं मतलब कल्पनाशीलता में पढ़ ली थी, जो सर बोल रहे थे उसमें, तो उन्होंने ये पढ़ाया था कि पेड़ काटे जा रहे हैं और जीव जंतुओं को भी मतलब दिख नहीं रहे आजकल ज़्यादा, और जंगल भी बहुत कम हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। जो समझ में आया इसमें कुछ ठीक करने की आवश्यकता है। यस सर। तो प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता ठीक है कि उनका शोषण करना ठीक है? परस्पर पूरकता। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इस पूरे कार्यशाला के बारे में? ये कार्यशाला हर साल होनी चाहिए और हम लोग तो जरूर, अब जब भी होगी तो मैं जरूर अपना नाम लिखवाऊंगी इसके लिए। तो ये 8 बजे से शाम के 5 बजे तक आपका स्कूल कब से कब तक चलता है, क्या टाइमिंग है? 10:30 से 5:30 और आपको इसमें सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक आना पड़ता था, छुट्टी भी नहीं मिली, 3 तारीख को कल सबकी छुट्टी थी उसमें भी आपको आना पड़ा, तो खराब नहीं लगा? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मम्मी पापा ने जबरदस्ती तो नहीं दी थी? मेरा नाम तन्वी राइन है। सर आपने मतलब जो 6 दिन से कार्यशाला स्टार्ट की है, फर्स्ट डे आपने समझाया था लक्ष्य, बनना हमारा लक्ष्य नहीं होता, होना हमारा लक्ष्य होता है, और हमारा लक्ष्य होता है सुख समृद्ध, और ये लक्ष्य हमारा ही नहीं सबका होता है। और आपने समाज संबंध सुविधा के बारे में बताया था, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा, और आपने वो बताया था सम्मान विश्वास, हर रिश्ते के लिए सबसे ज़रूरी विश्वास होता है, विश्वास नहीं होता तो कोई रिश्ता नहीं होता। और सर आपने बताया था ईगो अधिक आकलन, कम आकलन, डिप्रेशन, अन्यथा आकलन, हमें मतलब किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, ना किसी का अधिक आकलन करना चाहिए, ना ही किसी का कम आकलन करना चाहिए। और कल्पनाशीलता जो चीज़ मुझे सामने ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे जो आपने कल्पनाशीलता बताई और करवाई, पहले सिर्फ हम देखते थे, सोचते थे कि ये सिर्फ हमारे विचार हैं, पर कभी ये नहीं देखते थे कि हम इससे सुखी हैं या दुखी हैं, हम इससे मतलब हमारी सेह सीखा है या नहीं, पर आपने जब समझाया तो समझ आया कि हाँ ये हमें सेह स्वीकार है और ये नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और सर ये मेरे परिवार वालों को भी बहुत अच्छा लगा, और सर मैं भी चाहूँगी ये सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हो ये कार्यशाला। आपके परिवार में क्या बातचीत हुई इस पूरी बात को लेकर आपकी? मैंने बड़ी मम्मी से और बड़े पापा से, मम्मी से और बड़ी मम्मी से बात की थी, तो वो लोग कहने लगे बहुत अच्छी बात है सीखो, और उन्होंने ये भी कहा यही नहीं कि बस सुन के आओ और भूल जाओ, इससे मतलब अपने अंदर मतलब अपना व्यवहार भी चेंज करो इसे सुनकर। आपको लगता है कि आपका कुछ व्यवहार इससे बदल पाएगा? कौन कौन सा ऐसा व्यवहार है जो आपको लगता है कि इससे बदलेगा? सर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, पहले मैं स्कूल से जाती थी, मेरी छोटी बहन या भाई मुझसे कुछ बोलते थे तो मैं चिढ़ जाती थी या तो मैं मार देती थी, अब वो मुझसे कुछ बोलते हैं ना तो मैं चिढ़ती नहीं हूँ ना ही उन्हें मारती हूँ, मतलब आपके लिए थोड़ा गुस्सा कम हुआ है। ये आप ही को दिखता है, आपके छोटे भाई बहन को भी दिखता है? उनको भी दिखता है। उन्होंने कुछ कहा आपसे? यस सर। क्या कहा? कहने लगे ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रही है जो अपना व्यवहार ही चेंज कर तो आपका व्यवहार ये बना रहे इसके लिए अपनी कल्पनाशीलता पे तो लगातार काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो कल्पनाशीलता में हमारे चलता है वही देर से देर व्यवहार में निकलता है। आप क्या सुझाव देना चाहोगे इस पूरे वर्कशॉप के बारे में? सर वर्कशॉप मुझे बहुत अच्छा लगा, और मतलब आज से पहले ये सब किया भी नहीं है, तो मतलब बहुत मज़ा आया मुझे इस वर्कशॉप में, और जो जो आपने समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में भी आया, और ऐसा लगा भी नहीं कि सुबह 8 बजे से कि हम लोग 5 बजे तक स्कूल में बैठते, टाइम इतना जल्दी निकल जाता। आज खत्म हो रहा है तो कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है और चलना चाहिए था आगे का। ठीक है, बहुत बढ़िया बैठिए। भारती रेंगवा,
आराम से बताइए, कोई तरह जो आपको ठीक लगा हो, जो ना ठीक लगा हो। मुझे इस पूरी 6 दिन की कार्यशाला में बहुत अच्छी जो बात अच्छी लगी है। हमें दूसरे का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। हम लोग समझते थे डॉक्टर इंजीनियर बनना ये सब हमारा लक्ष्य, मगर ये लक्ष्य नहीं, ये सब रास्ता है। लक्ष्य तो हमारा सुखी समृद्ध होना है। जो आपने आज समझाया प्रकृति में व्यवस्था, वो भी बहुत अच्छा लगा। अपमान के तीन भेद होते हैं, अधिक आकलन, कम आकलन, अन्यथा आकलन। अधिक आकलन में ईगो में चले जाते हैं, कम आकलन में डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन और ईगो घूमता रहता है। आपको कभी ये ध्यान में आया है कि उसी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे आपका ईगो बढ़ गया है? मुझे उदाहरण बता सकते हैं, या आपको कुछ खराब लगा हो किसी ने बोला हो या नहीं बोला था? आपको सुना देना चाहेंगे इस कार्यशाला के बारे में? अगर सबसे कुछ खराब लगा हो इस कार्यशाला में तो कुछ बता सकते हैं कि आपको बहुत खराब लगा? नहीं जी। क्या कह रहे हो सर? तन्वी को बताना है। इसके बाद तन्वी को देना, आपका पूरा हो गया, तन्वी को दे दो, कुछ बताना चाहिए। अंजलि निमोदिया, मेरा नाम अंजलि निमोदिया है। सर ने जो 6 दिन की वर्कशॉप की थी उसमें मुझे सबसे अच्छा लगा लक्ष्य और समझ संबंध सुविधा। मैंने उस पर ड्राइंग भी बनाई है और मानव की स्वयं और शरीर दो तरह की क्या सूचना सह मानव की व्यवस्था दो तरह की होती है, स्वयं की और शरीर की। ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। सर ने जो बताया था कि दूसरे को अपने जैसा मानेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम दोनों की जो सोच है वो एक जैसी है, तो हम उससे अच्छे से बात कर सकते हैं। बड़े से जिन्हें हम जानते नहीं है उससे भी हम अच्छे से बात कर सकते हैं। डर नहीं लगेगा हमें अगर हम अपनी तरह मानेंगे हमारे सामने वाले को, तो हमें बोलने में झिझक नहीं होगी। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। और सर सीख रही थी जो आपने बताई थी ये भी बहुत अच्छा लगा। आप अपनी कल्पना से इतना देख पाए? यस सर। क्या उसका प्रभाव आपके सुख दुख पर पड़ा, उसको कुछ देख पाए? यस सर। कुछ बताएंगे उदाहरण? सर मैंने ना जो आपने कलिया पर्स कराई थी, जब मैंने देखा था कि मैं अपनी नानी के यहाँ जा रही हूँ, मैं पैर के साथ खेल रही थी, तो ये मुझे सह स्वीकृति मतलब ये मुझे सह स्वीकार है और इससे मुझे खुशी हुई कि है ना मैं अपनी कल्पनाशीलता में सुखी हो रही हूँ दुखी हो रही हूँ ये सब देख सकती। पहले हम लोग देखते थे जब सोचते थे तब हम ये नहीं देखते थे कि हम उसे सुखी हो रहे हैं दुखी हो रहे हैं। पहले भी देखते थे कल्पनाशीलता लेकिन ध्यान नहीं देते थे कि सुखी हो रहे हैं कि कहीं दुखी हुई किसी कल्पनाशीलता से, कुछ उसका उदाहरण बता सकते? यस सर। सर मैंने आपको बताया था जब मेरे ना मैंने एक ही बार देखा था सर दुखी हो रही थी, तब मेरे ना गोल गोल एक लड़का घूम रहा था, बच्चा छोटा था, और वो मुझे मार रहा था, तो मुझे उससे ना दुख हो रहा था कि वो मुझे क्यों मार रहा है। अच्छा, ये सारा कुछ आपने कहीं देखा था इसलिए कल्पनाशीलता में चल रहा था, ये ऐसे ही चल रहा था। आपने कुछ इस पूरी कार्यशाला के बारे में कुछ सुझाव देना चाहेंगे? यस सर, ये कार्यशाला पूरे स्कूल में होनी चाहिए और जो जानकारी हमें मिली और ये बहुत सारे बच्चों को मिलना चाहिए। आप बड़ा छोटा सबको, बड़े पे किसको मिलना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले हमारे बुजुर्गों को मिलना चाहिए। तो
क्योंकि उनकी जो पुरानी बातें हैं उनको बदलना चाहिए। अच्छा स्कूल में भी ये सब होना चाहिए? यस सर। किसके किसके लिए होना चाहिए? सभी के लिए होना चाहिए। मतलब सभी बच्चों के लिए सर? यस सर। बच्चों के अलावा और किसी को इसकी आवश्यकता है? नहीं है ना, टीचर्स को भी है, बच्चों को भी है, सबको है। टीचर्स को क्या आवश्यकता हो, तो पहले पढ़े हुए हैं, बड़े हैं। हाँ मतलब अगर उनको पता है तो अच्छा है, और नहीं पता हो तो पता होना चाहिए। पता होने से क्या बदलाव आएगा? हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, हमारा गुस्सा भी कम होगा और हमें समझ में आएगा तो हम सही से बता भी सकते हैं, और अगर हमें समझ में आया तो हम दूसरे को भी समझा सकते हैं। तो जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कुछ समझाना है, तो इसमें से कौन सी दो बात आप अपने बड़ों को समझाना चाहेंगी? एक तो लक्ष्य था, लक्ष्य और संस्कृति, ये दो बात समझाना चाहिए। यस सर। आपने कुछ अपने घर के लोगों के साथ चर्चा किया इस पे? यस सर। कौन से मुद्दे पे? लक्ष्य के मुद्दे पे किया, और समझ संबंध और सुविधा। किसके साथ किया था? मम्मी के साथ। क्या बातचीत हुई और उन्होंने क्या कहा, कुछ पता? मम्मी ने बोला ये जो आप कार्यशाला कर रहे हो ये बहुत अच्छी है, और हमें भी समझ में आया। पहले हमारा लक्ष्य था कि कुछ है ना बनना है, लेकिन अब समझ में आया कि हमारा लक्ष्य सुखी और समृद्ध होना है, ये सारे रास्ते हैं। थैंक यू सर। रेणुका मेरा नाम रेणुका जाटव है। सर ने मुझे जो भी समझाया मैं उसके बारे में बताऊंगी। सर ने मुझे पहले दिन ये समझाया था, चाहना, पहले हमें जो भी करना होता है उसके बारे में प्रयास करना होता है, फिर दूसरा बनना, फिर इसके बाद करना, पाना, होना, ये मुझे बहुत अच्छे समझ आया था। फिर दूसरे दिन संबंध के बारे में, सही समझ होगी तो संबंध बनेंगे, और सुविधा के बारे में, सुविधा भी रखनी चाहिए, और कल्पनाशीलता के बारे में, जब हम सर पढ़ा रहे होते हैं तो हम कल्पनाशीलता में चले जाते हैं, और उसमें हम कल्पनाशीलता देखते हैं, जो भी हमारे अंदर कल्पनाशीलता होती है वो देखते हैं हम, और पहले हमें पता नहीं होता कि कल्पनाशीलता क्या होती थी। जब सर ने समझाया तब मालूम पड़ा कि कल्पनाशीलता ये होती है। जब हम कल्पनाशीलता में चले गए थे हमें कुछ पता नहीं रहता था कि हम क्या सोचते क्या नहीं सोचते, कल्पनाशीलता में दुखी सुखी सब होते हैं। तो जब आप क्लास में बैठ के पढ़ रही होती हैं और कल्पनाशीलता में चली गई, तो यहाँ जो पढ़ाया जाता था कुछ समझ में आता था कि कुछ पता ही नहीं चलता था? सर कुछ समझ में आता था, थोड़ी देर के लिए जाते थे वापस आ जाते। आप कुछ सुझाव देना चाहोगे इस कल्पनाशीलता इस पूरे कार्यशाला के बारे में? यस सर, ये पूरा वर्कशॉप सब स्कूल में चले, और ये स्कूल में तो और ही ज्यादा, क्योंकि ये वर्कशॉप बहुत अच्छा लगा। अगली बार आप आओगी? यस सर, अगली बार होगा तो मैं जरूर आऊंगी। अपने किसी घर से किसी सदस्य को आप बुलाए हैं, आपकी मम्मी आई है सर? यस सर। आपकी मम्मी से कुछ बातचीत हुई है इसके बारे में? अपनी कल्पनाशीलता में अगर हम लोग टेक ऑफ और लैंडिंग कम करें तो पढ़ाई में क्या होगा? जैसे आप ये पूछ रहे हैं कि जो बार बार ये कल्पनाशीलता में टेक ऑफ कर जाते हैं ना, अगर वो थोड़ा कम हो जाए तो पढ़ाई हमारे लिए ज्यादा समझ में आएगा कि कम समझ में आएगा? ज्यादा समझ आएगा। क्या ये हो सकता है कि कल्पनाशीलता का अभ्यास करते करते हमारा टेक ऑफ थोड़ा कम हो? हो सकता है। कुछ कमी आई है क्या पहले दिन में और पांचवे दिन में आपके कल्पनाशीलता के टेक ऑफ में? ना सर कुछ नहीं है। तो ज्यादा कमी नहीं है। चलिए उसकी टाइम दे दीजिए विजेता को। मेरा नाम विजेता गौर है। आपने जो भी सम आपने
पहली बार समझाया था लक्ष्य और रास्ते की स्पष्टता, और दूसरी बार समाज संबंध और सुविधा। समाज संबंध सुविधा में क्या बात अच्छी लगी आपको? सर मुझे तीनों अच्छी। तीनों में क्या ज्यादा मानते हैं? वो संबंध। संबंध समाज संबंध नहीं है सर, दोनों तीनों संबंध। तीनों में एक नंबर पे किसको रखे? अच्छा, क्यों क्यों रखे सही समझ को एक नंबर पे? क्योंकि सही समझ करेंगे फिर संबंध आएगा, फिर सुविधा पूरी करने के तीनों को मारेंगे। तीनों हो जाएगा, तीनों पूरा होगा तो क्या हो जाएगा? सर सुखी रहेंगे। सुखी रहेंगे। और तीनों में कुछ छूट गया तो छोड़ेंगे नहीं, तो कहां से छोड़ेंगे? तो अभी इससे पहले ये कार्यशाला करने से पहले कुछ छोड़ के चल रहे थे तीनों में से, कि तीनों को पकड़ के चल रहे थे? तीनों को पकड़ के चल रहे थे। कुछ छूट तो नहीं रहा था? बढ़िया। तो आप कुछ और कहना चाहेंगी, और क्या समझ में आया आपको? मुझे कल्पनाशीलता वाला बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या किया कल्पनाशीलता में? उस पे कभी कहीं सुखी दुखी हुए कल्पनाशीलता में? कब 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 सुखी हुए? सर जब हम फ्रेंड्स लोग मस्ती करते थे तब सुखी होते थे, अगर कोई गिर जाता था चोट लग जाती थी तब दुखी होते थे। तो कल्पनाशीलता में कोई गिरा था? यस सर। कौन गिरा था? सर हमारी फ्रेंड्स गिरी थी। कल्पनाशीलता में गिरा दिया था? यस सर। अच्छा, गिर गई थी या गिरा दिया था? गिर गई थी। गिर गई थी। आपको समृद्धि समझ में आई क्या? यस सर। क्या समझ में आया? समृद्धि में आवश्यकता को पहचानना जरूरी है क्या समृद्धि? यस सर। आपने अपनी कोई आवश्यकता पहचानी? जैसे आपको कितने पेन की आवश्यकता है आप बता सकते हैं? सर मुझे तो बहुत सारे पेन की जरूरत है, क्योंकि मैं सब सारे पेन खो देती हूँ। तो वो जो गिलास आप चाट में बनाया है कोई, तो उसकी पेंदी नहीं लगेगी तो गिलास भरेगा क्या? नो सर। तो पेंदी लगानी पड़ेगी ना? यस सर। कैसे लगेगी पेंदी? सर दूसरा गिलास खरीदना पड़ेगा। आप कुछ सुझाव देना चाहोगे इस कार्यशाला के बारे में? सर मेरा यही कहना है कि आप हर रोज आओ और हमको पढ़ाओ। हर रोज आए? कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ाने नहीं जाए? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है आप ही हमारे साथ चलो हर स्कूल में, दोनों मिल के पढ़ाओ, पढ़ा ले, हम डांटेंगे फिर कल से। बढ़िया, चलिए बैठिए। अब आप साइना को दीजिए। इधर से, इधर से, उधर है, ठीक है। हाँ, किनके पेरेंट्स हैं वो? किनके पेरेंट्स? अच्छा, तो अभी आपके बेटे आपकी बात रख चुकी है, लेकिन आप लोग आए हैं तो फिर से इनको अवसर देंगे आपके सामने। पहले साइना को सुन लेते हैं। मेरा नाम साइना है, मुझे 6 दिन में ये अच्छा लगा, कल्पनाशीलता में। अच्छा, आप तेज दौड़ती हो कि कल्पनाशीलता तेज चलती है? सर कल्पनाशीलता बहुत तेज चलती है। बहुत तेज चलती है। माइक थोड़ा ऊपर कर लो। यस सर। कल्पनाशीलता बहुत तेज चलती है। अच्छा, आप अधिक हंसती हो कि कल्पनाशीलता तेज चलती है? सर बहुत अधिक हंसती हूं।
कभी ऐसा होता है कि कुछ कल्पनाशीलता में देख रही हो अकेले बैठ के और अकेले हंस रही हो? नो सर, ऐसे कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ ना, हो जाए तो बहुत अच्छा होगा ना। नहीं, अच्छा ऐसे कभी हुआ है कि कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा है उसको देख के आप दुखी हो रही हो? सर हाँ। नहीं, कोई नहीं होता। सर जब मेरी मम्मी की याद आती है तब दुखी हो जाती है। तो मम्मी का चेहरा दिखता है क्या कल्पनाशीलता में? हाँ। मम्मी डांटती है वो दिखता है? नो सर, मम्मी कभी नहीं डांटती। आप ही डांटती हो मम्मी को? नो मैं डांटते मम्मी को। और क्या समझ में आया आपको इस सहकारी शाला में? परिवार में व्यवस्था। परिवार में व्यवस्था के लिए सुविधा तो आवश्यक है ही, उसके अलावा भी कुछ आवश्यक है क्या? यस सर, सही संबंध संबंधी आवश्यक है परिवार के लिए। अच्छा, तो संबंध के लिए क्या करेंगे? जैसे मैं आपके साथ संबंध को रंजीना चाहता हूँ तो क्या करूँगी संबंध को रंजीना? सर संबंध के लिए पहले सही संबंध बनानी पड़ेगी। अच्छा, तो क्या भाव को समझा जा सकता है? कोई भाव आपके समझा है? आप स्नेह के भाव को समझा है क्या? स्नेह के भाव को थोड़ा भूल गई। अच्छा, आपको जो याद है वो बता। पूरी कार्यशाला में जो कुछ भी आपको ध्यान में है वो याद करो। समझिए वो याद है, मानव में व्यवस्था, मानव स्वयं में शरीर। ये ध्यान दें। तो जो शरीर की आवश्यकता है वो निरंतर है कि समय समय पर है? सर निरंतर है। निरंतर, तो भोजन आप निरंतर खाओगे? नो सर, निरंतर नहीं, लेकिन है तो शरीर की। शरीर की आवश्यकता तो है लेकिन वो कभी कभी है। और स्वयं की आवश्यकता? स्वयं की आवश्यकता निरंतर है। कोई उदाहरण बताओगे? जैसे कोई जैसे सम्मान किसकी आवश्यकता है? वो कभी कभी चाहिए, भूख लगता है तब या निरंतर? नहीं सर, निरंतर चाहिए सम्मान। निरंतर। विश्वास भी निरंतर। अच्छा, और कोई अगर आपके शरीर को ध्यान दे रहा है, शरीर का पोषण कर रहा है, तो उसमें ममता का भाव है कि वात्सल्य का भाव? ममता का। और अगर कोई आपको समझा रहा है तो वात्सल्य का। तो कोई ऐसे व्यक्ति का नाम बता सकती हो जिसमें वात्सल्य का भाव आपने देखा है? मम्मी में देखा है। आप बताओ, आप कुछ सुझाव देना चाहती हो इस कार्यशाला के बारे में? सर, कार्यशाला हर बच्चे को सीखनी चाहिए। हर बच्चे को? तो हर बच्चा सीख सके इसके लिए कुछ आप करना चाहती हो? क्या कर सकती हो आप या बड़े होके क्या करोगी इसके लिए? सर बड़ी होकर कार्यशाला मतलब पढ़ाओ तुम खड़े होके, ऐसा कह रही हो ना? तो डांट के पढ़ाओगी कि आराम से पढ़ा लोगे? सर आराम से, डांट के नहीं। डांटना जरूरी भी तो है ना थोड़ा? नहीं सर, फिर क्यों डांटेंगे? गलती होगी तो फिर उसे? अच्छा, गलती होगी तो? गलती होगी तो थोड़ा समझा देंगे जिस आप समझाते हो। चलो ठीक है, इनकी मम्मी आए हैं, पापा आए हैं, तो आप अपने मम्मी पापा का परिचय भी करा दो। और आप और कुछ कहना चाहते हो अपने मम्मी पापा के सामने, तो आप इस कार्यशाला के बारे या जो भी आपने समझा। मेरा नाम मुस्कान बर्मन है। आपने अभी तक जो भी समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने चाहना, प्रयास, बनना, करना, पाना, होना, सुख समृद्धि हमारा लक्ष्य है ये भी समझाया। और जीने के फैलाव चार प्रकार के होते हैं, मानव, परिवार, समाज, प्रकृति और अस्तित्व, ये भी अच्छे से समझाया। और परिवार में व्यवस्था, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम भी होना जरूरी है। आपका इस कार्यशाला को करने के बाद ऐसा लगा कि आपके व्यवहार में कोई आपको लगा कि बदलाव आया है? पहले कुछ ऐसा करते थे अब ऐसा नहीं करते, ऐसा कुछ आपने महसूस किया? आपने कुछ उदाहरण बताओगे? कभी ऐसा लगा कि कहीं पर किसी ने किसी के साथ व्यवहार में अपमान किया तो आप पहचान पा रहे हो कि हाँ ये अपमान है? मेरा अपमान किसी ने किया। किसी ने सम्मान किया उसको पहचान पाती हो? नहीं
मान का याद नहीं था। याद नहीं ठीक है। मम्मी पापा का आप अपने परिचय करा दो, बता दो सबको। जी, इस बच्ची ने कुछ यहाँ से जाने के बाद 5-6 दिनों में आपसे कुछ चर्चा की हो इस कार्यशाला के बारे में, अगर आप बताना चाहें उसके बारे में। सर नहीं, बहुत अच्छा लगा। आपने इस बच्ची में 5-6 दिनों में कोई बदलाव देखा हो, आपके ध्यान में कोई बदलाव, अच्छा या खराब लगा हो, ये ऐसा था वैसा हुआ? पढ़ाई में रुचि बढ़ गई। माता जी से बात करो। मेरा नाम पार्थी वर्मा जी, मुस्कान की मदर बोल रही हूँ। इसने बताया मेरे को कि मम्मी मुझे बहुत मजा आ रहा है स्कूल में पढ़ाई करते समय, ऐसा लगता है सर हमेशा पढ़ा है मेरे को तो कितना अच्छा लगे खोसे मतलब वो एक क्लास जॉइन करके से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बस 6 दिन का था, अब आज शायद लास्ट डे है ना, तो बस वो कह रही थी अब मम्मी खत्म हो जाएगा, आज लास्ट डे है, सब लोगों ने अच्छा पढ़ाया मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा आए मेरे पास, मतलब पढ़ाए हमको स्कूल में आके। इन्होंने कुछ आपको बताया कि हमको ये पढ़ाया गया? हाँ सर, सब बताती है सर, आती है तो आप ही से ही बताती है, ड्रेस तो बाद में उतारे की पहले बताई, मम्मी ऐसा करवाया मम्मी वैसा करती है सर, वो बताती है। जी सर, आपको इनके कुछ व्यवहार में, कुछ जीने में, कुछ 5-6 दिन में कुछ भी बदलाव कुछ ऐसा महसूस हुआ? मतलब खुश रहती है पढ़ाई के मामले में, उसे पढ़ाई तो इतनी पसंद है ना, पढ़ाई करवाओ उससे कुछ मत करवाओ, पढ़ने में बहुत रुचि है सर वो। जी, जी, जी। अच्छा रहा उसके पढ़ाई में मन लगता है सर। ये आप देख रही है ना दीवार पे, ये सब बच्चों ने बनाया है। जी सर, पेंटिंग भी इसको बहुत अच्छी आती है, हर चीज में रुचि है सर ये तो, हम तो बोलते है पढ़ने के लिए हर चीज के लिए, लेकिन थोड़ी सी डरती है बस, घबराती है किसी के सामने अपनी कुछ भी बात रखने से पहले, हम लोग समझाते हैं कि नहीं कुछ भी अगर आता है तो सर को बताओ, घबराना नहीं चाहिए। हालांकि आपको बताया आप लोग के आने से पहले जब उसने बोला ना, जी सर, तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोला। हाँ बोला होगा मैंने बोला आप लोग के सामने थोड़ा संकोच कर गए। हाँ थोड़ा लग रहा होगा वो तो अभी धीरे धीरे सीखने नहीं, तो सर उसे बहुत डर लगता है हर चीज बताने में, ये सर उसको सब आता है, पेंटिंग करती है अच्छी, पढ़ाई राइटिंग सब, डांस वगैरह सब आता है सर उसको, बस यही कि वो कोशिश नहीं करती, मतलब डर लगता है किसी के सामने जाने से सर, ये है, बाकी उसको तो बहुत हुनर है, हम तो बोलते हैं हमारी ऐसी लड़की पार है कि पूछोगा। थैंक यू सर। आपकी सिस्टर आई है, छोटी छोटी है बड़ी है? छोटी है, उनसे भी बात करो। तानिया बर्मन। तानिया, दीदी ने आपको 5-6 दिन में कुछ बताया है, क्या चल रहा है? यस। क्या बताया? अच्छा दीदी, ये बताओ इसी स्कूल में पढ़ती हो? मैं यही स्कूल में पढ़ती हूं। दीदी ने 5-6 दिन में किसी दिन झगड़ा किया आपसे? वैसे झगड़ा करती है दीदी? यस। आप पहले शुरू करती हो कि दीदी पहले शुरू करती है? मैं। हाँ। अगले साल आप भी आना इस कार्यशाला में। ठीक है। आओगी आप? हाँ। अच्छा। रेणुका, आपकी मदर आई थी, उनका भी परिचय आप करा दो, बात करा दो। माइक को पास कर लेगी तो आवाज सब लगा, मुंह के पास कर ले। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी सब कुछ सीखे और अच्छे से पढ़े और अच्छे से रहे। आपको कुछ बदलाव दिखा 5-6 दिन में अपनी बेटी के भीतर? हाँ सर, वो पढ़ाई करती घर जाके और रोज सुबह जल्दी उठ जाती है आने के लिए। तो आपको धक्का देके भेजना पड़ता है सुबह या खुद से आ जाती है? आपको उसकी मन से उठ जाती है और मन से आ जाती है। कल छुट्टी था तो ऐसा तो नहीं कि कल छुट्टी है नहीं जाएंगे करके, कैसे अपने से उठ के आ गई? अच्छा,
बोलती मम्मी मैं जा रही हूं कहां से। उसने कुछ बताया आपको इस कार्यशाला में 5-6 दिन क्या हुआ? बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है और बहुत अच्छे सर आ रहे हैं, बाहर से आए हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनको पढ़ो। आपको ये सब जो क्लास में बच्चे बोल रहे हैं देख के क्या लगता है, ये पढ़ाई सभी स्कूलों में हो ना हो कैसा सोचती हैं आप? ठीक रहेगा ये? इससे क्या आपको लगता है अनुमान क्या सुधार होगा, क्या बदलाव होगा बच्चों में, कुछ बदलाव होगा? बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छा, मतलब कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? यही चाहती हूँ कि सब बच्चे अच्छे से पढ़े, सबकी बेटियाँ पढ़े और बड़े आगे। जानवी अच्छा दीदी है, अच्छा अच्छा। मेरा नाम नितिका जाटव है। इसमें पहले से बदलाव आई है, मैं से पहले बहुत लड़ती थी पर अब नहीं लड़ती। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नाइन्थ में। तो आपका मन है नाइन्थ में जाके विषय पढ़ने का जो ये पढ़ के जा रही है करके? आप इससे उनसे पूछती हूँ कि क्या पढ़ा है? सर पूछते हैं। बताती है? बताती है, कभी कभी बता देती है सर ये पढ़ाते हैं। अच्छा, कॉपी देखी इनकी? कॉपी नहीं देखी। ये बच्चे कुछ आपसे बात करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं और इसके साथ के क्लास के? नो सर, नहीं आज ही आई इस क्लास में, आने नहीं देते। आने नहीं देते ना, एग्जाम चल रहे होंगे। तो अगली बार जब कार्यशाला होगी तो आप आओगी? यस सर। 8 बजे आना पड़ता है? यस। 5 बजे तक बैठे रहना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं होती है। सर मैं तो सोचती थी मेरी बहन जाती है तो मेरी क्लास में भी हो, ये तो मैं भी जाऊँ। क्या अपेक्षा है आपको इस तरह की, क्या क्यों करना चाहते हो आप इस महोत्सव को, क्या बदल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको इससे? जो इन लोगों ने सीखा वो मुझे भी सीखना है। कुछ अच्छा सीखा है क्या? यस सर बहुत कुछ सीखा है। जैसे कुछ बताना चाहे एक दो चीज? सर जो सीखा है वो मुझे भी सीखना है। आप कुछ सुझाव देना चाहोगी इस पूरे कार्यशाला के बारे में जो भी आपको अनुमान लग रहा है? अगले साल अगर होगा तो आप ठीक है। आयशा चोरे, पायल मालवीय, कोई सुझाव देना चाहोगे या कोई और बात अच्छी लगी हो क्या उसके बारे? सर मुझे तो जो आपने फर्स्ट टाइम से पढ़ाया उस ठीक लग रहा है। अगली बार कार्यशाला में आना चाहोगे आप? यस सर। साइना ने तो बात रख दी थी ना? यस सर। और कुछ बात कहना चाह रही है? सोच लेना। कशिश मीना ये सामने बैठी है। मेरा नाम कशिश मीना है। सर ने जो अभी तक 6 दिनों में समझाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट दिन सर ने समझाया लक्ष्य के बारे में। पहले समझते थे कि जो अपन बनना चाहते हैं वही लक्ष्य है, पर वो लक्ष्य नहीं है। मतलब लक्ष्य हो प्रयास करना, बनना करना पाना और होना ही सुख समृद्धि है। और समझ संबंध और सुविधा, संबंध पहले समझ संबंध फिर सुविधा। समझ होगी तभी संबंध बनेगा और संबंध बनेगा तभी सुविधा होगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और परिवार में व्यवस्था, जो परिवार में भाव हैं वो बहुत अच्छे लगे। मेरी
और मानव में दो व्यवस्था रहती है, एक स्वयं में और एक शरीर में। शरीर की व्यवस्था है भोजन कपड़ा, और शरीर की वो स्वयं की व्यवस्था है सम्मान विश्वास और सही समझ सही भाव। आप कल्पना चिंता भेज पर यस सर कल्पना तो सिन्हा, मैंने आपसे बोला था कि मैं छुट्टी हुई और मैं घर जा रहे थे अपने फ्रेंडों के साथ, और मैंने देखा कि मैंने रेणुका को बहुत मारा, इसलिए मैं से स्वीकृति नहीं हूँ और मुझे दुख हुआ, से स्वीकार नहीं है। ये सब कल्पना सिन्हा में आपने किया सर, इसको नहीं पता चला। अच्छा, अगर ये भी आपकी कल्पना सिन्हा देख पाती तो कितना अच्छा होता। आपने भी देखा था, आपने भी पलट के मारा होगा। और कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं सर। सर जो आपने समझाया वो बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने अपने पापा से भी बात की थी, पापा बोल रहे थे जो भी समझा रहे हैं वो अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और जो मतलब पहली बार भी पढ़ा है तो बहुत अच्छा लगा जो भी आपने समझाया इसके बारे में, और सभी स्कूलों में होना चाहिए ये सब कि सबको समझ में आए जो हमने पढ़ा, सबको जानकारी हो इस बारे में। अगर सभी स्कूलों में हो जाए, सब लोग पढ़ लें, तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा? सर उनमें भी बदलाव आएगा, सम्मान किसे कहते हैं, अपमान क्या होता है, सब ये सब समझ में आएगा। उससे आसपास में कुछ व्यवस्था ठीक होगी कि व्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? व्यवस्था ठीक होगी। और परिवार में कोई बदलाव आएगा अगर सब सुन लेते हैं समझ लेते हैं तो कोई? यस सर, परिवार में बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा कुछ बता सकते सर? परिवार के लोग सब विश्वास समझ लें, सम्मान समझ लें, स्नेह समझ लें, तो क्या बदलाव हो सकता है परिवार में? परिवार विश्वास होना ही जरूरी है, अगर विश्वास होगा तभी तो साथ साथ रहेगा। यस सर, ये तो विश्वास नहीं होगा तो फिर आजकल जो लड़ाई झगड़े इतने परिवारों में आसपास देखने मिलता है, क्या लगता है किसके कमी के कारण होता होगा? सर उसे विश्वास नहीं है और सम्मान भी नहीं है, और परिवार में भाव रखना भी भाव भी ठीक है। कशिश नाम था आपका? कांति, कांति गुंजर। मेरा नाम कार्तिक गुर्जर है, और सर ने जो कुछ भी समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ सर और भी समझा। सर ने जो कुछ भी समझाया उसमें मुझे लक्ष्य के बारे में बहुत अच्छा लगा। मैं समझती थी कि बनना ही लक्ष्य होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, प्रयास और बनना तो डॉक्टर होता है, करना इलाज पाना पैसा और होना सुख समृद्धि होना ही लक्ष्य होता है, और मैं अपनी कल्पना चिंता देख पाई हूँ। तो कल्पना चिंता देखने का कुछ लाभ हुआ है आपको? यस सर। कैसा लाभ हुआ? सर मेरे और मेरे भाई के बीच बहुत सारी लड़ाई होती है, किसी दिन मैं सोचती थी कि मैं कल्पना चिंता में मैंने ये देखा कि मैं मेरे भाई से लड़ाई नहीं करती, और वो आपने जब से समझाना स्टार्ट किया है जब से मैं मेरे भाई से लड़ाई नहीं करती, ज्यादा नहीं करती, थोड़े बहुत करती। यस तो फिर भी कभी कभी दो चार लापा जब मन में तो ये पूरी कार्यशाला में और कोई बात महत्वपूर्ण लगी? यस सर, मुझे मानव के बारे में महत्वपूर्ण लगा। मानव दो प्रकार के होते हैं, स्वयं और शरीर। मानव में दो वास्तविकता होती है, स्वयं और शरीर। तो जैसे आप शरीर की कोई क्रिया बता सकती हैं कि ये शरीर की क्रिया है? यस सर। जैसे कपड़ा और भोजन, ये आवश्यकता है। यस सर। क्रिया कोई बता, जैसे चलना किसका क्रिया है, शरीर का कि स्वयं का? चलना, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये शरीर का क्रिया है कि स्वयं का? स्वयं। और इच्छा, इच्छा किसकी क्रिया है? सर चलना वो शरीर की होती है और इच्छा स्वयं की होती है। स्वयं की होती है। स्वयं तो दिखता तो है नहीं, तो स्वयं है कहाँ, है क्या?
शरीर तुम्हारा दिखता है, स्वयं तुमको दिखता नहीं है क्या? कैसे कैसे कहोगी ये स्वयं है? सर जो इच्छा होती है वो स्वयं होता है, मतलब कि मेरा स्वयं नहीं होता है। सर मेरा मतलब है कि मेरे को ये बोतल उठाकर मैं पेट में रखूं, ये मेरी इच्छा है और उठाना मेरे शरीर की क्रिया है। तो अच्छा, ये इच्छा स्वयं में हुई, उठा के जो रख रहे हैं वो शरीर का। और कुछ सुझाव देना चाहोगे आप? यस सर, आपने 6 दिन का बहुत काम किया है, और भी होना चाहिए था। यस सर, अगली बार प्लीज आप हमारी क्लास को पढ़ें। ये और बच्चों तक ये सारी बात जा सके और बच्चे भी समझ सके, इसमें कुछ आप भागीदारी करो। यस सर, और मुझसे हो पाएगा तो मैं करूँगी। जैसे आपको कहा जाए कि आपको वॉलंटियर बनना है, वॉलंटियर मतलब बच्चे आके बैठ जाए, सब चल, ये सब करना चाहोगे आप? यस सर। कभी कहा जाए कि आपको बच्चों को थोड़ा समझा, उससे चर्चा भी करनी है कि सम्मान क्या है, विश्वास क्या है, तो करो। नहीं सर, वो तो आपका काम है, आप करेंगे। ठीक, और कोई बात आप कहना चाहें? नहीं तो हम लोग सहजन साहब मदद की आएंगे, अभी मदद आप की नजर आएंगे, आप थोड़ी देर बाद आप रहेंगे। मेरा नाम सेजल साहू है, आपने पहले जो लक्ष्य वाले समझाया वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया है, और फिर आपने थोड़ा सही समय संबंध सुविधा के बारे में भी समझाया, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आपने कल्पना शीतल के बारे में बताया कि वो है कभी मतलब दुख भी करके दुखी भी रहती, सुखी भी रहती। कुछ खराब लगा या ना? नो सर, कुछ भी खराब नहीं लगा। ऐसा कोई बात जो आपसे चर्चा की गई हो जो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? पढ़ाया जाना चाहिए। आपको जितना पढ़ाया गया उसको कुछ समझ में आया? बाकी बच्चों को क्या लगता है, बाकी उनको कुछ समझ में आया? थोड़ा खराब पढ़ाए होते तो थोड़ा कम आता। जरूरी है ये आपके दोस्तों के लिए? सब सबके लिए जरूरी है। कोई सुझाव देना चाहोगे आप? अंजलि चावेलिया, नेहा मार, मेरा नाम नेहा मार है। सर ने जो भी समझाया अभी तक, चाहना, प्यास करना, बनना, करना, पाना, होना, ये सब करके हम सुख समृद्ध होते हैं। उसके बाद दूसरी बात समझाई थी, माने नहीं जांचे अपनी सेल्फ स्वीकृति के आधार पर। तीसरी बात सही समझ संबंध सुविधा, और जीने के फैलाव मानव मानव परिवार समाज प्रकृति और प्रकृति और अस्तित्व। तो और कोई बात आप इससे जुड़ना चाहती है? कल्पनाशीलता आप देख पाती हैं? उसका कोई लाभ मिलेगा आपको कल्पनाशीलता देखने का, अपनी पढ़ाई में या अपने व्यवहार में, ऐसा लगता है आपको? ये सर, जब भी मैं कल्पनाशीलता देखती हूँ तो आप दिखते हैं पढ़ाते हुए। तो उससे आप सुखी होती हो दुखी होती हो? सुखी। क्यों सुखी हो? क्योंकि सर जो भी आप पढ़ाते हैं अच्छे से समझाते हैं और मैं सब समझ पाती हूँ तो मुझे खुशी होती है। सहज स्वीकृति शब्द का अर्थ है, वो क्या शब्द है? सहज स्वीकृति का क्या मतलब है? सर सहज स्वीकृति जो कि खुश होते हैं, देखते हैं तो खुश होते हैं। कोई सुझाव आप देना चाहोगे? ठीक है, बैठ सकते हैं। ऋचा विश्व कर लो। सरदर्द कर रहा है तो अभी उनको समय दे देते। अली 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 मेरा नाम अलीमा अली है। मुझे इन 6 दिनों में सबसे अच्छा लगा माने नहीं जांचे जो सर ने पढ़ाया था, और सर ने
अभी तक पढ़ाया मुझे वो सब बहुत अच्छा लगा। और कोई बात ऐसी जो आपने घर में चर्चा की हो इसमें से? यस सर, की थी मैंने। मैंने जितने दिन जो भी पढ़ा वो सब मैंने अपने घर पे चर्चा की। कैसा लगा जिनके साथ चर्चा किया आपने? उनको भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा? यस सर। इसमें से सबसे अच्छा क्या लगा आपको? इसमें से सबसे अच्छा लक्ष्य चाहना, प्रयास करना और बनना। आप क्या बनना चाहते हो? मैं आर्मी पुलिस। Yes. और लक्ष्य क्या हुआ फिर आपका? मेरा लक्ष्य सुख समृद्ध। सुख समृद्ध, तो आर्मी पुलिस बनना लक्ष्य नहीं हुआ? नो सर, वो रास्ता हुआ। वो रास्ता। अभी तक क्या मानते थे उसको? सर उसको मैं लक्ष्य मानती थी। आपको समृद्धि, बेटा बात नहीं करो ना, तो रिकॉर्डिंग। आपको समृद्धि समझ में आया क्या? आप yes, आप उस दिन आए थे ना, उसमें तबियत आपकी थोड़ी खराब हो गई थी तो नहीं आ पाए, तो समृद्धि में जिस दिन बात हुई थी उस दिन आप आए थे? यस सर, आई थी मैं। तो आप कोई उदाहरण बता सकते हैं जिसमें आप समृद्ध हैं? आपने कौन सा चार्ट बनाया इसमें से? सर मैंने कोई सा भी नहीं बनाया। आपकी तबियत ठीक नहीं थी? यस सर, आई नहीं थी। कोई सुझाव देना चाहोगे आप? नो सर। रागिनी गुप्ता? नहीं सर। जानवी गोरे? मेरा नाम जानवी गोरे सर। बेटा बात नहीं करिए ना, फिर तो फिर की आवाज रिकॉर्डिंग में। मेरा नाम जानवी गोरे सर। मैं फर्स्ट डे से सिक्स डे तक की जो भी समझा मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। माने नहीं जाते अपनी सर स्वीकृति के आधार पर सही समझ संबंध सुविधा, इससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। मानव में व्यवस्था, मानव में व्यवस्था स्वयं और शरीर जीने का फैलाव, मानव परिवार समाज प्रकृति अस्तित्व, ये चारों की व्यवस्था को समझना जरूरी है क्या? यस सर। किसको पहले समझें? मानव को। क्यों? पहले हमें समझेंगे फिर बाकी सबको समझेंगे। ठीक। और कोई बात कहना चाहती हो? नो सर। कोई सुझाव आपके तरफ से? अंकिता दोड़े? अंकिता दोड़े आपका बात हो चुका? आप बोल चुके हैं? अच्छे से बोल। कीर्ति? कीर्ति धंधे? कीर्ति धंधे। मेरा नाम कीर्ति धनगर है। मुझे लक्ष्य अच्छा लगा। हाँ, प्रयास बनना, करना, पाना और होना। हम प्रयास करेंगे तभी कुछ बन पाएंगे और उससे कुछ कर पाएंगे और उससे कुछ पाएंगे और उससे सुख समृद्ध होंगे। कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? नो सर। अनुष्का प्रजापति? जी अनुष्का। मेरा नाम अनुष्का प्रजापति है। माइक को थोड़ा पास कर लीजिए। मेरा नाम अनुष्का प्रजापति है। मुझे लक्ष्य अच्छा लगा इसमें से और आपने जो भी पढ़ाया मुझे सब समझ में आया बहुत अच्छे से। अच्छा, तो जैसे परिवार व्यवस्था में क्या समझ में आया? परिवार व्यवस्था सब कुछ समझ में आया और सब अच्छे से किया। सम्मान समझ में आया क्या? यस सर, सब बड़ों को सम्मान करना चाहिए। छोटों को भी? छोटों को भी क्या क्या चाहिए? अच्छा, क्या है सम्मान? दूसरे से भेद करना सम्मान है या दूसरे को अपने जैसा स्वीकारना सम्मान? और भेद सम्मान है कि अपमान है? आपका कोई भेद का उदाहरण बता सकती हो? अपमान कभी हुआ है उसके बारे में कुछ बता सकती हो कि मेरा ऐसा अपमान हुआ है या ऐसा सम्मान हुआ है? मेरे घर में मेरी दीदी बड़ी दीदी ने मेरा अपमान किया था। अच्छा, क्या किया? सर जी, मेरी दीदी ने मुझे दीदी से बोला था दीदी मेरे लिए गर्म पानी लगा देना, दीदी ने मेरे लिए नहीं लगाया, दीदी ने मुझे दो तीन तमाचे मारे।
तो ये तो ठीक ही बात है, इसमें अपमान का कहां? अच्छा अपना काम खुद करने का अपमान हुआ सर, ने मुझे दो दिन तमाचे मारे इसलिए अपमान हुआ। तो आपका क्या मन किया दो तीन तमाचे खाने के बाद? कोई सुझाव देना चाहोगे आप? सर ये कार्यशाला सब स्कूलों में होनी चाहिए और सर बच्चों को और दीदी को तो जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मेरी दीदी को मिलना चाहिए क्योंकि वो मुझे मार रही है। ठीक ठीक ठीक। प्राची प्रजापति सर वो तो सो रही है। अरे नहीं सो रही को प्राची प्रजापति प्राची प्राची के बाद हम लोग बात करेंगे साक्षी अहिवार से और नेहा अहिवार से। प्राची के बाद मेरा नाम प्राची प्रजापति है। मुझे इस कार्यशाला में यह समझ में आया लक्ष्य और रास्ते की स्पष्टता। मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर बन के मतलब कि पढ़ाई करूंगी फिर डॉक्टर बन जाऊंगी, पर ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रयास करना होता है, बनना फिर करना फिर पाना फिर होना, और उससे मुझे सुख समृद्धि होती है। सुख के बारे में कुछ बता सकते हो कि सुख क्या है? सुख अच्छा सुख कभी कभी होगा कि निरंतर हो सकता है? निरंतर हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसा सुख जो कि कभी कभी होता है निरंतर नहीं हो सकता? हाँ। कोई उदाहरण बता सकती हो? कोई उदाहरण बता सकती हो? जैसे रसगुल्ला खाया सुखी हुई नहीं हुई? पानी पूरी खाया सुखी हुई नहीं हुई? वो निरंतर होगा कि कभी कभी? कभी कभी। और मुझे समझ संबंध और सुविधा समझ में आई है। सबसे पहले तो समझेंगे फिर संबंध बनेंगे और सुविधाएं बनेंगी। कोई सुझाव देना चाहोगे आप? कोई सुझाव देना चाहोगे? कोई सुझाव इस कार्यशाला के लिए? मुझे इस कार्यशाला में बहुत अच्छा लगा है और मैं चाहती हूँ कि ये आगे क्लास में भी हो और सभी पढ़े, और मेरा अपमान विजेता ने किया है। मुझे पुग्गू कह के बुलाया और मुझे लाठ भी मारी थी उसने। आपने किसी का अपमान किया ये याद है? नहीं। साक्षी यही बात है। रास्ते के बारे में समझाया था, पहले हम प्रयास करेंगे फिर बनेंगे फिर करना पाना फिर होना, फिर उसके बाद हम सुख समृद्ध होंगे। फिर सेकंड है आपने समझाया कि सही समझ संबंध और सुविधा। जब हम सही समझ समझेंगे फिर उसके बाद संबंध बनाएंगे और फिर सुविधा होगी। फिर उसके बाद आपने परिवार व्यवस्था और भाव बताए थे, वो भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। और विश्वास करना अगर सम्मान करना, अगर हम किसी का सम्मान करेंगे तो वो हमारा सम्मान करेगा। और विश्वास भी जब हम किसी पे करेंगे तभी वो हम पे विश्वास करेगा। ठीक है मेरा नाम नेहा अहिरवार है। सर ने जो भी पढ़ाया मुझे बहुत अच्छा लगा, लक्ष्य के बारे में मुझे बहुत अच्छा। कोई सुझाव देना चाहोगे आप इस वर्कशॉप के बारे? सर मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा, आप बार बार आओ पढ़ाओ। अभी जो पेरेंट्स आए हैं उनसे बात करेंगे तो ताहिर।
तन्वी आप अपने पेरेंट्स का परिचय करा दो। नमस्ते सभी लोगों के लिए। अच्छा लगा लड़की को आपने जो भी सिखाया, वो घर पे जाके बताती थी, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, तो बहुत उसके समझ में आया, बहुत कुछ समझ में आया उसको। जी, आपकी बेटी बहुत एक्टिव है, बिल्कुल खुश रहती है, सबका मन लगाए रहती है। वो तो घर में भी बहुत खुश रहती है, वो सबको करती है घर में भी। आपको ठीक लगा ये सब बच्चों ने जो बनाया है, अपना जो प्रस्तुति की है, वो ठीक लगा? हाँ ठीक लगा। बच्चे जो बोल रहे हैं आपको सुन के कैसा लग रहा है? ये बच्चों के लिए अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। जी धन्यवाद। बाकी लोगों का सर के बाद फिर जो चाहेंगे। तो हमारे लालू भैया और सभी लोग यहाँ पर नमस्ते। मैं तो कभी कभी आया ना, ठीक है। तो आप सब लोगों को सुना, सबको अच्छा तो लगा, तो मुझसे तो पूछा नहीं किसने कि मुझे कैसा लगा। तो बहुत साल पहले जो है ना, एक बार ऐसे ही जो है हमने 8 दिन तक हम लोग बैठे थे, और फिर ऐसा सुबह 8 से 5 ही बैठे थे, वहीं रह करके बैठे थे, है ना, वहीं रहते थे। तो पहली बार तो मुझे कैसा लगा वो बताता हूँ, 2-3 बार। तो क्या हुआ कि पहले दिन जब बैठे हैं तो हमारे बच्चे छोटे थे उस समय, तो बीच में जब लंच का टाइम होता था तो हम बच्चों को लेने के लिए चले जाते थे और फिर वापस लाने के लिए बैठ जाते थे। बच्चे स्कूल में पढ़ते थे गाड़ी में, तो उनको ये कहा गया कि आपको जो है, जैसे आपको बताया कि आपको मानना नहीं है, क्या करना है, तो परिवार के मूल्य बताए बहुत सारे, है ना, जो आपको बताए थे अभी मूल्य। तो एक मूल्य क्या बताया, विश्वास, है ना। तो विश्वास का मतलब क्या है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, ऐसा हमें बताया कि, तो बाकी जितने लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ, है ना, और इस बात का मुझे भरोसा होना चाहिए, है ना, और मैं भी दूसरों के लिए जो है वो उनको सुखी करना चाहता हूँ, दूसरों को इस बात का भरोसा होना चाहिए। तो मैंने फिर जांचना शुरू किया, तो मैंने जब जांचा तो मैंने कहा कि मेरे दोस्त सारे, हाँ बढ़िया बात है, फिर मैंने कहा मेरी पत्नी है, तो कहा बढ़िया बात है, ठीक है, ऐसा ही है ना, भरोसा है, सब पर विश्वास है। फिर मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा हाँ बच्चों के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है ना। फिर अपने साथ काम करने वाले उनका भी मैंने कर दिया था, बढ़िया है। तो मैंने कहा जांच लिया, अपना मामला बढ़िया है ना। तो फिर कहा नहीं ऐसे नहीं, मतलब वो मतलब उसको ठीक से जांचना है उसको। तो फिर हमने क्या किया कि हम जब जाते थे तो अपनी गाड़ी जो है, हमारी गाड़ी में ड्राइवर साहब थे, तो हम जाते समय जब लौट के जाते थे वहाँ पर लंच के बाद, तो हमारे ड्राइवर साहब जो है वो बच्चों के साथ, तब तो क्या होता था कि हम और हमारी जो पत्नी है आपकी आंटी, हम लोग जो है आगे बैठ जाते थे, गाड़ी चलाते थे, और आपके जो भैया दीदी थे वो पीछे बैठ जाते थे ड्राइवर भैया के साथ, है ना। तो उसे मैंने कहा भाई जाँच लें, भरोसा है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं। तो फिर उनको ड्राइवर भैया को कहा कि तुम आगे बैठ जाओ और हम पीछे बैठेंगे बच्चों के साथ, पीछे बैठ गए। बच्चों ने कहा कि पापा हमारे साथ बैठेंगे, मैंने कहा नहीं बैठ सकते क्या, हाँ नहीं नहीं बैठिए बैठिए बैठे। फिर क्या होगा, हम जहाँ जाते थे वो जगह 20 किलोमीटर दूर, हम झाबुआ में थे, है ना, और झाबुआ में से एक जगह थी मेघनगर। तो फिर रोज वापस गाड़ी चला के जाया करते थे,
तो फिर हमने कहा अपने बेटा जो हमारा था उस बेटे से पूछा कि उसका नाम गणेश क्या है ना, कलूर बोलते थे, तो बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? तो पापा ठीक चल रही है। तो तुम्हारे दोस्त ठीक है? ठीक है। फिर हमको समझ नहीं आया कि हम उससे बच्चे से क्या बात करें, है ना, इससे हम बातचीत भी नहीं करते थे। फिर हमारी बेटियां थी, वो बड़ी थी, उससे पूछा, उसका नाम निमिषा है, उससे पूछा बेटा देखो ठीक हो? बेटा ठीक है। तुम्हारे दोस्त ठीक है? ठीक है। फिर 20 किलोमीटर तक उससे कोई बात नहीं कर, तो हमको उसको दोस्तों के नाम भी नहीं पता, और शायद ये भी याद नहीं था कि है कौन सी क्लास में। और बीच में कभी कभी हमारी पिटाई करती थी, जब ज्यादा शिकायत होती तो हमारी पिटाई हमारे पिताजी कर दिया करते थे, तो बिटिया कहती बेटे की अम्मी भी पिटाई कर दिया करते थे, और वो दोनों बच्चे चुप, हम भी चुप, और वैसे वो रोज बोलते हुए बातें लगातार बोलते रहते थे, हम भी अपने पति से बात करते रहते थे। तो चार साल में मेरे को एक बात यह समझ में आई कि भाई मेरा विश्वास, मतलब बच्चों को मेरे पे विश्वास नहीं है कि वो चुप बैठे हैं, डरे हुए बैठे हैं। तो जब जांचने वाला काम हुआ तो फिर ये समझ में आया कि तो मामला गड़बड़ है अपना तो। और फिर मेरी जो पत्नी है तुम्हारी आंटी, उनसे तुम्हें 3 साल बाद पूछने की हिम्मत कर पाया कि तुम्हें मुझे भरोसा है, तुम्हें भी विश्वास है ना। तो जो जांचने वाला काम है वो बड़ा मुश्किल काम है, वो फिर बहुत जगह जांच खराब है ना। तो एक बात तो ये मतलब मुझे लगता है मुझे आपसे शेयर करनी थी, एक बात और शेयर कर लेता हूँ फिर खत्म करेंगे, क्योंकि मेरे को एक जगह जाना है बैठक है मेरी। तो उसी जगह की बात है, तो हम जो है जिस कॉलोनी में रहते थे तो वहाँ बहुत बड़े बड़े अधिकारी रहते थे, और हम जो है उसमें दिल्ली में काम करते थे, दिल्ली से काम छोड़ करके यहाँ पर आए थे। तो VCR सुना ना आपने? VCR क्या होता है, देखा है VCR? तो तब एक चीज VCR होती थी, वो इतना बड़ा जैसे लैपटॉप है ऐसे ही बड़ा डिब्बा होता था। तो उस समय फिल्में जैसे भी टीवी में सब दिखा देखते रहते हैं, तो उस समय जो टीवी चलते थे वो शाम को 6 बजे से 10 बजे तक चलते थे, एक ही चैनल होता था बस। हाँ है ना, बोले हाय बोले, एक ही चैनल होता था। तो उसमें फिर शुरू होता था, फिर वो बात कृषि दर्शन होता था, फिर थोड़े समाचार होते थे, फिर बहनों की बातें होती थी, है ना, ऐसे ऐसी समझदारी वाली बातें बताते थे। तो फिल्मी गाने वाले उसमें नहीं आते थे सीधे, तो फिल्म देखने के लिए क्या करते थे कि वीडियो कैसेट आते थे, तो कैसेट को उसमें लगा देते थे, तो लगा देते थे तो वो फिल्म चलती थी। और 100 रुपए की जो है वो VCR किराए का मिलता था, तो रात भर लोग बैठ के देखते थे, 100 रुपए का मिलता था, है ना, पुराने लोग बैठे हैं वो हाँ कर रहे, और 3 फिल्म देख लेते थे रात भर देख करके। और वो जो बड़े लोग होते थे वो VCR खरीद के रखते थे, तो हमारे घर में नहीं था, है ना। तो एक बात जब चर्चा हो रही थी तो ये कहा गया कि भाई आपके पास जो सुविधा है ना, आपके पास कितनी सुविधा है, तो वो आपको जांचना आना चाहिए कितनी सुविधा है ना, और आपको कितनी सुविधा की आवश्यकता है ना। आपको यदि ये नहीं पता कि आपको कितनी सुविधा चाहिए तो आप दरिद्र हो, गरीब हो, फिर आपको पता ही नहीं कितनी चाहिए, क्योंकि यदि पता चल जाए कितनी चाहिए तो आप कमा सकते हो, मेहनत कर सकते हो, पर यदि पता ही ना चले कितनी चाहिए फिर तो वो मुश्किल है, फिर तो आप हमेशा ही गरीब रहने वाले हो। तो हमने देखा सुविधा क्या चाहिए, तो यही बात हुई कि भाई ठीक है, खाने के लिए रोटी चाहिए तो है ना, रहने के लिए मकान सरकार ने दे रखा था, कपड़े वपड़े भी ठीक है पर्याप्त है। फिर उस बात सोचा कि यार फिर भी सुविधा चाहिए हमको, है ना, तो VCR चाहिए तो क्यों चाहिए। तो एक बात ये भी आई कि उन्होंने ये पूछा कि आपको जो सामान चाहिए वो आपकी आवश्यकता है या आपको दूसरों से सम्मान पाने के लिए चाहिए, है ना? आपकी जो वो वास्तव में जो चीज आप चाहते हो वो आपकी आवश्यकता है या आपको सम्मान पाने के लिए चाहिए। तो जैसे भी भानु भैया शिविर ले रहे हैं, ऐसे जो हमारा जो शिविर ले रहे थे वो शिविर शुरू होने के पहले की बात है, हम लोग ऐसे ही, फिर हमने उनसे कहा कि शिविर लीजिए। तो उस दिन हमने ये तय कर रखा था कि भाई हमने बैंक वालों से बात कर ली थी और 22,000 रुपए का VCR आता था, हमने कभी जो है आपसे हम जो VCR है वो बैंक से हम लोन लेकर के कर लेंगे, तो उसमें कुछ पैसे वैसे हर महीने देना था, थोड़ा पैसा पहले देना था। तो मैंने अपनी वाइफ को, हम लोगों ने तय कर लिया सोच समझ के कि हाँ भाई अपने को VCR लेना है, सबके घर में अपने घर में होना चाहिए, ये तो किराए पर लेकर जाना पड़ता है। तो जब मेरी उनसे बात हुई, है ना, वही गणेश सर हैं अभी आए थे कुछ दिन पहले भोपाल में, तो गणेश सर ने ये बात उनसे की कि भाई आपको चाहिए
तो आपको सम्मान के लिए चाहिए या आपकी आवश्यकता है? तो फिर बाद में जब मैं घर पे लौट के गया रंजीत में, तो मैंने उससे कहा, मेरी वाइफ ने कहा शाम को याद है ना विषया लेने चल रहा है अपने को, तो मैंने कहा याद तो है, याद तो है, पर अपने को वास्तव में जरूरत है कि नहीं? तो आंटी ने कहा क्यों क्या हो गया, अभी तक इतने दिन से हम लोग कर रहे थे कि लेंगे लेंगे, और अब कह रहे जरूरत है कहीं? मैंने कहा यार वे किसी से बात हुई है, गणेश जी हैं वो आए हुए हैं, उनसे बात हो रही थी, तो ये पूछ रहे थे भाई जाँच लेना चाहिए कि हम कोई चीज जिसके लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं उसकी आवश्यकता है भी कि नहीं है। तो मैंने कहा यार तू बताओ, मैंने कहा नहीं आवश्यकता तो नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तो 100 रुपये दे करके देख लेते हैं, आवश्यकता तो नहीं है, और उसमें 500 रुपये महीने कटेंगे तो पैसे भी उस समय तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती थी, बहुत कम होती थी तनख्वाह, आवश्यकता तो नहीं है। तो उस वाले फिर कर्जे से हम लोग बच गए। फिर उन्होंने बोला कि उनको बुला के लाइए, कौन आदमी है, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं ना, बात तो समझदारी वाली। तो ये जो बातें हैं, जो बातें कुछ आप लोगों ने भी सोची, तभी तो आप लोग कम उम्र के हैं ना, तो अभी आप लोगों ने गड़बड़े ज़्यादा नहीं करी, हम लोगों ने तो बहुत गड़बड़े कर दी थी, बहुत सारी बेवकूफियाँ कर दी थी, तो आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं ना कि कम उम्र में आप लोगों को थोड़ी बातें आपको जांचने को मिल रही हैं, है ना, और वो थोड़ा थोड़ा आप लोग समझते जाएंगे धीरे धीरे, और जो कुछ आप लोगों को बातें अच्छी समझ में आएंगी वो आप लोग आपस में फैलाएंगे, फैलाएंगे नहीं फैलाएंगे, है ना, तो एक अच्छी बात है आप लोगों को इस प्रकार का अवसर मिला। और कुल मिलाकर के ये जो जिसको हम कर रहे हैं, तो आप लोग भी चाहते हैं कि अच्छी बातें सब लोगों में जाए, अच्छी बातें सब लोगों में जाएंगी तो जो लोग आपको तंग करते रहते हैं वो भी थोड़ा ठीक हो जाए, है ना, आप तो तंग करते नहीं किसी को, है ना, दूसरे ही तंग करते हैं, तो दूसरे गड़बड़ करते हैं इसलिए हम भी गड़बड़ कर देते हैं, तो ये दूसरे गड़बड़ ना करें इसलिए बात सब तक पहुंचानी पड़ेगी ना कि नहीं, तो फिर उसके लिए जो है सब लोगों ने किताबें बनाई हैं, तो 9वीं की 10वीं की 11वीं की 12वीं की 4 क्लास की किताबें बन गई, तो वो किताबें जो है बन तो गई, उस पर जो है बहुत सारे लोगों के साथ बैठक भी हो गई, फिर ये देखने के लिए कि वो किताब जो बात है वो बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती, तो 9वीं क्लास की किताब जो 9वीं के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो हमने कहा क्या करें, तो फिर हमने कहा चलो 8वीं वाले बच्चों से करते हैं बात, तो फिर आप लोगों से बात की, आप लोगों से बात करके ऐसा कुछ उत्साह लग रहा है कि हाँ आप लोगों को बात पकड़ में आ रही है, और 8वीं में भी आप लोग कब हो जबकि 2 साल से आप लोग पढ़े नहीं, है ना, तो एक तरह से 5वीं पास की थी, 6वीं 7वीं पढ़े नहीं, 8वीं में सीधे आ गए, तो आप लोगों को यदि बात समझ में आ सकती है तो और छोटे और बड़ों को भी समझ आ सकती है, ऐसा भरोसा आप लोगों को मिल रहा है। और जो पीछे बहुत सारे बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं, है ना, वो सब टीचर्स लोग बैठे हुए हैं, तो वो जो टीचर लोग बैठे हुए हैं वो भी इस बात को देख पा रहे हैं और बैठे हुए इसीलिए कि वास्तव में समझ में आती भी है कि नहीं समझ आती, तो ऐसा एक बात समझ में आ रही है। आप लोगों ने जो कुछ भी आप लोगों ने वर्कशीट्स पे लिखा, आप लोगों ने वर्कबुक पे लिखा, है ना, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, क्योंकि अभी इन बातों को बाहर जाके करते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े लोगों को बताओ उनको, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बच्चों को कहाँ समझ में आएगी, इसलिए रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं दोनों भैया, देखो सुबह से शाम तक करते रहते हैं ना, लौट करके फिर और भी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा डाउनलोड करना पड़ता है, सबको देना पड़ता है, तो कुल मिलाकर के ये कार्यशाला तो आज हम समाप्त कर रहे हैं, परंतु आप लोगों ने जो बातें सुनी हैं और जो समझी हैं, जितनी सुनी है जितनी समझी है, वो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, आगे जीने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, है ना, तो जैसे हम थे उससे थोड़े अच्छे तो हो गए कि नहीं हो गए, और उससे और ज्यादा अच्छा होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते, होना चाहते हैं, है ना, और बाकी को भी हम चाहते हैं बाकी भी अच्छे हो जाएं ताकि हम अच्छे बने रहें, ऐसा है क्या, दूसरे गड़बड़ करेंगे तो हम अच्छे होंगे कि हम खराब होंगे, खराब होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे खराब, दूसरे गड़बड़ करेंगे तो हम बिगड़ जाएंगे, नो सर, अच्छा हमारी चाबी किसके हाथ में, हमारे हाथ में दूसरों के हाथ में, हमारे हाथ में, फिर क्यों हो जाएंगे, हमारी चाबी यदि हमारे हाथ में है तो कोई गड़बड़ करता भी है तो ठीक, वो गड़बड़ है, हम तो ठीक रहेंगे, है ना, पर उसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है ना, तो अभ्यास की, तो अभ्यास तो करना, चिंता में भी चलता रह सकता है, चलता ही है, तो जैसे किसी को मार दिया, पिटाई कर दी, है ना, फिर बाद में लगा कि शायद अच्छा नहीं हुआ, तो कल्पना चिंता को आपको देखना आ गया, है ना, बैठे बैठे टेक ऑफ कर जाते हैं, वो भी देखना आ गया, पर ऐसा तो सबके साथ ही होता है कि टेक ऑफ कर जाते हैं, पर आपको वो जांचना आ गया, आपको वो ध्यान में पाता भी कि कहीं पर हम बैठे हुए बैठे बैठे टेक ऑफ कर जाते हैं, ये बात हमारे ध्यान में आ गई, फिर लौट के आते हैं फिर ध्यान में आता है कि टेक ऑफ कर गए थे, और फिर जैसे जैसे अभ्यास करते हैं तो ये भी ध्यान में आ जाता है कि कहाँ टेक ऑफ कर गए थे, कहाँ पहुंच गए थे,
किसकी पिटाई छुपाई हो गई, किसके नपाड़े मार दिए, बोलिए ना नपाड़े मार दिए चार जाके वहाँ, है ना। तो कुछ हम लोगों ने एक अच्छी बात सीख ली है, तो सब ले लिए सारे बच्चों को तो बधाई, पर हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके लिए भी मुश्किल काम रहा है ना। बहुत लंबा समय, एक तो लंबा समय बैठने की आदत भी, मतलब लगातार तो करने की आदत नहीं है। हमारे दादोजी ने तो इसी विषय में डॉक्टरेट की हुई है। हाँ, तो कुल मिलाकर के सभी लोगों ने किया और हम सब लोगों के लिए बहुत ही उत्सव का समय है ना। उत्सव का मतलब दिवाली होली नहीं होता है। अभी उत्सव लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब उत्सव का मतलब क्या होता है, जब हम लोग खुश होते हैं हर तरफ खुशहाली होती है ना, सब लोग अच्छे होते हैं, खुश होते हैं, हंस रहे होते हैं। तो ये पाँच जो छह दिन गए तो हम लोगों के बहुत उत्सव के रूप में गए ना। ये तो एक उत्सव का समय हम लोगों के लिए अच्छा से गुजरा है और हम सब लोग जो है दूसरों के लिए इस प्रकार से उत्सव का स्रोत बन जाए। स्रोत का मतलब क्या होता है, जैसे पानी कहाँ से आता है, नल से आता है, नल से आता है ना। तो पानी का स्रोत एक स्रोत नल है ना, तालाब भी हो सकता है, कुआं भी हो सकता है, नदी हो सकती है, तो वो स्रोत होते हैं। तो जैसे हम लोग खुश हो गए और आगे खुश होकर रहेंगे, रहना चाहेंगे, वैसे ही हम दूसरों के लिए स्रोत बन जाए, है ना। बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, ऐसी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। हम सब लोगों के तरफ से जो राजीव भैया हैं, है ना, और भानु भैया हैं, और भानु भैया की जो है ना आप लोगों की जो दीदी कही है, आंटी कही है, चाची कही है, भाभी कही है, जो भी कहना हो, निशा देवी अच्छा, मैम बोलना ज्यादा अच्छा है कि चाची ताई और दीदी बोलना अच्छा है? मैम अच्छा, मैम में नजदीकी होती है कि दीदी में या भाभी में नजदीकी होती है? तो ये तय करना पड़ता है ना। तो कुछ लोगों को जबरदस्ती मैम बोलना पड़ता है, सर बोलना पड़ता है, नाराज हो जाएंगे वो, है ना, कि हमको सर क्यों तुमने बोला, चाचा जी क्यों बोल दिया, मैम क्यों बोल दिया, है ना। तो कुछ लोगों को जबरदस्ती बोलना पड़ता है, अपने को लगता है, मन करता है कि इनको ऐसा बोले, भैया बोले, दीदी बोले, चाचा बोले, है ना, पर जबरदस्ती बोलना पड़ता है। तो इनको तो नहीं बोलना पड़ रहा होगा ना, आदत पड़ गई होगी, बाहर वालों को बोलना है तो मैम बोलना, बाहर वाले को बोलना है तो सर बोलना, ऐसी आदत पड़ गई होगी, है ना। पर वो तो बाहर से आई है, आपकी मैम नहीं है, है ना। उन्होंने इतना सारा समय दिया है अपना घर छोड़ करके, तीनों लोगों ने अपना घर छोड़ करके, है ना, अपने पैसे से फिर यात्रा करके यहाँ पर आए। सुबह सुबह 5:45 ट्रेन आ गई, है ना। फिर अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर खत्म हो जाता है, वो रात देर रात तक काम करते रहते हैं, जो कुछ हुआ है उसके सारे नोट्स बनाते हैं, दूसरे लोगों से सर्कुलेट करते हैं, सबको भेजते हैं, सुबह से फिर शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। तो जैसे अभी चल रहा था तो बहुत सारे लोग पूरे देश भर से जुड़े हुए थे, आप लोगों को बहुत सारे लोग देश भर से सुन रहे थे, है ना। तो हम लोग उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि नहीं? तो कृतज्ञता का क्या मतलब है? तो कृतज्ञता बताइए ना, क्या बताया था कृतज्ञता, क्या बताया था? जैसे कि जो जिन्होंने हमारी श्रेष्ठता के लिए प्रयास, शिक्षा, माता पिता, जिन्होंने हमारी श्रेष्ठता के लिए काम किया, तो हम जैसे भी अच्छे हैं उससे हम बेहतर बन जाएं। तो उनके लिए जिन्होंने काम किया उनके प्रति हम क्या होते हैं? कृतज्ञ होते हैं। तो उनके प्रति कृतज्ञ है ना, है कि नहीं? ताली बजाते हैं। गणेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गणेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? गणेश जी जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, गणेश जी कुछ कहना चाहेंगे? जयप्रकाश जी केरल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, देख करते हैं कितने देर तक।
हम लोग 10 मिनट का ब्रेक करके वापस आते हैं। जी मैं सुन रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ कहना नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है हमारे बच्चे। ठीक है, तो गणेश जी जिनका मैं बता रहा था ना, तो वो भी गणेश जी भी बोल रहे हैं, है ना? और वो बात कब की है? वो 25 साल पुरानी का। तो बाकी भी हमारे जो साथी हैं महेश जी, बाकी सब लोग भी शेयर करेंगे इसके बाद, सबके फीडबैक के बाद एक जो आफ्टर वर्ड सब करेंगे। गणेश जी कुछ, गणेश जी तो हमको एक शुभकामनाएं दे रहे हैं। गणेश जी मैं सारे लोगों का सुनता रहा हूँ और बहुत अच्छा है, मुझे आप से कुछ विशेष नहीं कहना है, सबको हमारी तरफ से शुभकामना है। बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद गणेश जी, नमस्कार, धन्यवाद। जयप्रकाश जी कुछ कहना चाहेंगे? जयप्रकाश जी यू लाइक टू से समथिंग टू द चिल्ड्रन? दस मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग चार बजे तक।